दिल्ली में जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन से एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। चेकिंग के दौरान इस महिला के पास से एक देसी तमंचा, 8 कारतूसों के साथ साथ भारी मात्रा में नकदी और जेवर भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तारी के बाद महिला का कहना था कि वह देसी रिवॉल्वर उसके पति की है और वो इसे मायके ले जा रही थी क्योंकि पति बाहर गए हुए हैं। इस महिला का नाम इंद्रपाल कौर है और वह दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में रहती है। चेकिंग के दौरान मेट्रो स्टेशन पर एक्सरे मशीन में महिला ने जब अपना बैग रखा तो CISF अधिकारी हैरत में आ गए। एक्सरे मशीन में महिला के बैग में कारतूस और कंट्री मेड पिस्टल दिख रही थी। छानबीन में बैग की तलाशी लेने पर एक पिस्टल, 8 कारतूस, लाखों रुपए के सोने के गहने, 91,230 भारतीय करेंसी और 100 US डॉलर बरामद किए गए। महिला ने बताया कि वो तिलक नगर जा रही थी। महिला ने पुलिस से कहा कि उसके पति बाहर गए हुए हैं और ये सामान उन्हीं का है, वो इसे अपने मायके लेकर जा रही थी। पुलिस अब इस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। फिलहाल महिला को गिरफ्तार कर हथियार भी जब्त कर लिया गया है।